और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की अगुवाई में बड़े पैमाने पर धान खरीदी हो चुकी है। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें सियासी गुणा भाग भी नजर आ रहा है। कांग्रेस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुर्ग लोकसभा के भाजपा सांसद विजय बघेल पर बड़े आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के तीन नेता गिरीश देवांगन, शैलेश नितिन त्रिवेदी और आरपीसी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाए हैं कि उन्होंने जब चुनाव लड़ा था तब निर्वाचन नामांकन पत्र के साथ दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने सरकारी धान खरीदी योजना में धान बेचने वाले भाजपा नेताओं की सूची तैयार की थी, जिस दौरान यह फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि अपनी जमीन के संबंध में गलत जानकारी देने के साथ विजय बघेल ने 2500 रुपए में भी धान बेचते हुए भूपेश सरकार की राजीव गांधी न्याय योजना का भी लाभ उठाया। कांग्रेस नेताओं ने मुख्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए सांसद विजय बघेल की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने, आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करने की भी मांग की है। सन 2018-19 में धान खरीदी की प्रक्रिया 1 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 तक चली। इसी दरमियान विजय बघेल जी ने अपना धान बेचा था, जिसमें उनका रकबा 16.95 एकड़ था। इसके पहले उनका खेत का रकबा लगभग 13 एकड़ इससे कम दर्शाया गया था। लेकिन जब 3 अप्रैल को उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र जो भरा, उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि उनका खेत का रकबा 1.35 हेक्टेयर है, जो कि लगभग 13 एकड़ कम हो जाता है। हमारी आपत्ति इसी बात पर है कि सब कुछ जानते हुए भी नामांकन पत्र में उन्होंने जानबूझकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा कम लिखा है, जो कि आपराधिक कृत्य है। इसके खिलाफ भाई अश्विनी साहू ने कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने इसकी शिकायत माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को की है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए और आपराधिक मामला कायम किया जाए।